You started that. Hi guys. So it's a great day for us. We are going to launch a new channel. Me and my friend Sanjay is here. So आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे 498. जैसे कि आप लोगों को पता होगा आजकल ये 498 ए बर्निंग इशू है. ये स्पेशली वुमेन से रिलेटेड इशू है, जेंडर इशू है. सो इस पर संजय थोड़े से अपनी तरफ से ये प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. तो संजय, हाँ हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है आजकल न्यूज़ में 498 ए के बारे में काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं, और यह बेसिकली दहेज प्रथा के ऊपर है. आजकल क्या होता है, जो पुराने लॉज 498 ए के 498 ए में मेंशन है, अगर कोई महिला उसके ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित की जाती है या परेशान की जाती है, तो जनरली 498 सेक्शन के तहत वो मुकदमा दायर कर सकती है. बट इस सेक्शन में कुछ खामियां भी हैं. अभी तक जितना सर्वे के अनुसार पाया गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस फॉल्स होते हैं. और इसी कमी को दूर करने के लिए अभी 498 ए में कुछ बदलाव लाने की संभावना जताई जा रही है. जैसा कि अभी इसमें प्लान किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी बनाई जाएंगी, जो कि सीधे कोई भी केस को पुलिस थाने में रजिस्टर कराने की बजाय पहले एक महीना का समय दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी को, वो अपने स्तर पर उस मुकदमे की जांच करे. दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी जो होगी ये एक तरीके से मीडिएशन का काम करेगी. तो इससे क्या होगा, इसके कई सारे पॉजिटिव फैक्टर भी हैं. जैसे एक तो लिटिगेशन कम होंगे, केसेस डायरेक्ट थानों तक या पुलिस तक पहुँचने से पहले ये सॉल्व रिजॉल्व हो जाएंगे, तो इसका एक बेनिफिट भी है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका वी हैव टू टेक केयर अबाउट. लाइक अगर आप जैसे जो प्रभावशाली जो लोग होते हैं तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी होगी इसमें क्या है कि वहाँ के लोकल पंचायत मेंबर, एमएलए जो होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ये इस कमेटी के मेंबर हैं. तो इसमें और कुछ एनजीओज वगैरह भी, इवन सोशल वर्कर भी इसमें शामिल होंगे. तो इसका कुछ बड़े लोगों पे इसका असर पड़ सकता है, बट नंदलेस ये एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है. इसमें स्कोप अच्छे हैं और इसकी एक सकारात्मक सोच है इसमें. सो इसे इम्प्लीमेंट करके एक इस जो दहेज प्रथा का जो इशू है इसको एक तरीके से लिटिगेशन, और इसका एक और जो आयाम है, इसका एक और एस्पेक्ट जो है, जो कोर्ट्स की जो क्या नाम है, बर्डन ऑफ जो केसेस जो हो रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा इसका असर पड़ेगा. दूसरी बात यह है कि जब अब तक ये होता था कि दहेज प्रथा में ये तुरंत गिरफ्तारी तुरंत हो जाती थी घर वालों की, इसमें भी थोड़ा सा वो किया गया है कि पहले वेलफेयर कमेटी ये पहले वो डिसाइड करेगी, उसके बाद क्या नाम है पुलिस आएगी और गिरफ्तारी वगैरह. तो इससे भी एक प्रेस्टीज का जो वो था कि घर वालों को तुरंत पुलिस उठा ले जाती थी, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो जाएगा इससे. सो दोस्तों, कंक्लूड करें यहाँ पे. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब समाज में लोगों को सीधे इस तरह की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी, बेसिकली ससुराल पक्ष को. इसमें पहले क्या होता था, अगर कोई सिंपली जाके पुलिस थाने में कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराता है तो उसमें सीधा ही परिजनों को, ससुराल पक्ष में उनके परिजनों को सीधा गिरफ्तारी के आदेश दे दिए जाते थे. लेकिन अभी सिर्फ एक ही केस ऐसा बाकी है जिसमें सीधे गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे, वो होगा अगर कोई भी महिला को ससुराल पक्ष द्वारा अगर कोई क्षति पहुँचाई गई है, तब ही ये लोग सीधे जाके उनको गिरफ्तार कर सकते हैं. अदरवाइज ये केस पहले डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी को जाएगा, उसके बाद ही उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होने के बाद ही ये थाने में जाएगा, तब ही केस दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जैसा कि संजय ने कहा कि इसमें एक्चुअली होता यूँ था कि जब सर्वे से पाया गया है कि ज़्यादातर केसेस फॉल्स और फैब्रिकेटेड होते थे, तो अगर ससुराल वालों को कोई दिक्कत है या वाइफ को शौहर से कोई दिक्कत है तो वो अक्सर इसी केस का यूज़ करते, तो इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था, मोस्टली मिसयूज़ ही हो रहा था. तो
एक अच्छा कदम है जेंडर, चूंकि ये और वुमेन्स से रिलेटेड इशू है, वुमेन्स चूंकि हमें वुमेन्स आज भी एक तरीके से वल्नरेबल क्लास माना जाता है अपने वहाँ, तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए एक बढ़िया इशू है। सो वी हैव वी होप दैट इट विल वर्क, एंड आप लोगों से भी, आप सारे दर्शकों से भी उम्मीद है कि आप लोग इस पे अपने पॉजिटिव फीडबैक दीजिए हमें। हम देखते हैं कि हमने आज जो इशू डिस्कस किया वो आप लोगों को कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।